अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर सेंटर। तो आइए सुनते हैं आज इस वीडियो में नॉवल हमजात की एपिसोड नंबर 1। मैं एक एक दिन गिन रहा हूँ, अब मेरे मरने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। मुझे उस पर इतना ही यकीन है जितना इस बात पर कि इस वक्त दिन है। तुम्हें मेरी सरगुजिश की सदाकत पर यकीन नहीं आएगा, और तुम ही क्या, कोई भी इस पर उस वक्त तक यकीन नहीं करेगा जब तक मैं मर ना जाऊं। इसलिए कि मेरी मौत ही इसकी सदाकत की दलील है। आज से ठीक 8 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। अपने मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी रूह का बोझ उतार दूं, ये जानते हुए भी कि मेरी मौत पर किसी को दुख नहीं होगा, किसी आंख से आंसू नहीं टपकेगा, कोई मेरे लिए नहीं रोएगा। यहाँ तक कि जो मेरी सरगुजिश सुनेगा वो भी मुझसे नफ़रत करने के सिवा कुछ ना कर सकेगा। लेकिन ये नफ़रतें मेरा मुकद्दर हैं, मुझे ये नफ़रतें भी अजीज़ हैं। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं होगा तो नफ़रत करने वाला तो होगा ही। मैं इस अजाब में नहीं मरना चाहता कि मुझसे नफ़रत भी नहीं की गई। सो मैं तुम्हें भी अपनी सरगुजिश इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि तुम मुझसे हमदर्दी करो, मुझ पर रहम खाओ। मैं जानता हूँ कि तुम चाहो भी तो ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा अगर तुम मुझे इस आखिरी वक्त में कुछ नफ़रत ही दे सको। मैं तुम्हें पहले ये बता दूं कि मेरे बेहानक और झुरियों पड़े चेहरे और बकिया जिस्म में तजाद क्यों है। यह दरअसल उम्रों का फ़र्क है। इसकी वजह यह है कि मेरे चेहरे की उम्र इस वक्त तकरीबन 130 साल है, जबकि मेरे बकिया जिस्म की उम्र सिर्फ 25 साल है। मेरे सारे वजूद में सिर्फ चेहरा मेरा अपना है, बकिया जिस्म आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने हासिल किया था। उस वक्त मैं इस बात से बेखबर था कि यह जिस्म चंद साल बाद ही कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। मैं इस जिस्म की जगह कोई और सेहतमंद जिस्म हासिल कर सकता था और अब भी कर सकता हूँ, मगर इस 10 साल के अरसे में मुझे इस जिस्म से मोहब्बत सी हो गई है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि मेरी उम्र अब ख़त्म होने वाली है। अगर मैं अपना बकिया जिस्म बदल भी लूं तो क्या हासिल। लेकिन ये सब जानने के लिए तुम्हें मेरे माजी में सफ़र करना पड़ेगा, मेरा माजी जो कोई नहीं जानता। लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरा नाम शेख करामत है और मैं चंगाम का एक रईस तरीन शख्स हूँ, और इत्तफाक से मेरे मैदे में कैंसर हो गया है जिसका इलाज डॉक्टर अनवारुल हक कर रहे हैं। मेरे माजी से सब लाइल्म है। उन्हें इल्म है तो ये कि मैं अब से 5 साल पहले ढाका से यहाँ मुंतकिल हो गया हूँ और मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान के किसी शहर से है। इस 5 साल के अरसे में मेरे बारे में लातादाद अफवाहें भी मशहूर हो गई हैं, जिनकी तर्दीद या ताईद करना मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें अपनी सरगुजिश शुरू से सुनाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि अपनी ज़िंदगी के बकिया 8 दिन में मैं तुम्हें अपनी सरगुजिश सुना दूँगा, तो सुनो। मैंने जब होश संभाला तो मुझे मालूम हुआ कि मैं वालिदैन के मेहरबान साए से महरूम हो चुका हूँ, और मेरे करीबी रिश्तेदारों में सिर्फ मेरे नाना और नानी जिंदा हैं जो मेरी परवरिश कर रहे हैं। यूपी का शहर बदायूं जहाँ मैं पैदा हुआ इल्मो फजल, दीनी तालीम और ओलिया अल्लाह के लिए मशहूर था। मैंने भी उसी माहौल में आँख खोली। मुझे बचपन से ही दीनी तालीम दी गई। बचपन ही से मैं नमाज रोज़े का सख्त पाबंद था। मैंने अरबी फ़ारसी में खासा कमाल हासिल कर लिया। मेरे नाना का ताल्लुक दरसो तदरीस से था, उन्होंने मुझे भी उसी पेशे के लिए तैयार किया। वो मुझे अपनी ज़िंदगी ही में इस काबिल बना गए कि मैं अरबी और फ़ारसी का दर्स देने लगा था। जब मेरी उम्र 20 साल के करीब हुई तो मेरे बूढ़े नाना और नानी भी मेरा साथ छोड़ चुके थे। मैं अब तन्हा इस बड़ी हवेली में रहता था जिसमें मेरे नाना और नानी के साथ रहने के बावजूद मुझे खौफ आता था। वो हवेली बहुत बड़ी थी जिसका एक बड़ा हिस्सा वक्त के सर्दो गर्म झेल कर ख़राब हो चुका था। बकिया हिस्से में मेरी रिहाइश थी। मैंने कभी उस बकिया शिकस्ता हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं की। उस हिस्से से मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। नाना के इंतकाल के बाद मेरी गुजर बसर का दारोमदार सिर्फ दरसो तदरीस पर था, लेकिन ये आमदनी इंतहाई कलील थी जिसमें बमुश्किल मेरी गुजर बसर होती थी, बल्कि अक्सर मुझे भूखा ही सोना पड़ता था। मोहल्ले पड़ोस के कुछ बच्चे मुझसे पढ़ने आ जाते थे जिनके वालिदैन नकदी की सूरत में कभी कभार कुछ दे देते थे।
हाँ, ये था कि मोहल्ले के मुख्तलिफ घरों से मेरे लिए खाना ज़रूर आ जाता था और त्यौहार पड़ने पर कोई ना कोई मेरे लिए एक आध जोड़ा सस्ते कपड़े का बनवा देता था। मैं जवान था, मेरी रगों में ताज़ा खून गर्दिश कर रहा था, मुझ में उमंगें थीं, आरजुएं थीं। मेरे भी दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा भी अपना घर हो, बीवी हो, बच्चे हों, माकूल आमदनी हो, मगर मेरे ये ख्यालात सिर्फ ख्वाब थे और मुझे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती थी कि मैं कभी इस हकीर ज़िंदगी से निजात पा सकूं। मैं अंदर ही अंदर अपनी मौजूदा ज़िंदगी से नफ़रत करता था, मुझे खुद से हकारत महसूस होती थी। मैं एक नौजवान था और ऐसी ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर कर रहा था कि मेरी गुजर बसर दूसरों के रहमो करम पर थी। मैं दिन रात इसी एहसास की गिरफ्त में कैद होता चला गया। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सब कुछ बदल नहीं सकता? मेरे हम उम्र दूसरे नौजवान भी तो हैं जो काबिले इज्जत और काबिले रश्क ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे बचपन के बहुत से दोस्त इसी शहर में थे, जिनमें से अक्सर ने अब मुझसे मिलना तर्क कर दिया था और बहुत कम ऐसे रह गए थे जो अब भी मुझसे मिलने में अपनी हद तक महसूस नहीं करते थे, मगर वो भी मुझसे अब इस तरह गुफ्तगू करते थे जैसे मैं उनके मुकाबले में बहुत कम रुतबा और घटिया आदमी हूँ या मेरी आदमियत नामुकम्मल है। मुझे ये घुन अंदर ही अंदर खाता जा रहा था। एक शाम में असर की नमाज पढ़कर बेजार बेजार सा बैठा था कि मेरी नज़र सामने किताबों के एक ढेर पर पड़ी। मैंने वक्त गुजारी के लिए उनमें से एक किताब खींच ली। उससे पहले मैंने कभी इन किताबों पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन जब मैंने उस किताब की जिल्द जो बहुत बोसीदा हो चुकी थी खोलकर देखी तो मालूम हुआ कि ये किताब नहीं, एक कलमी नुस्खा है। मैंने अपने दादा का नाम नाना की जुबानी सुना था। इस कलमी नुस्खे पर उनका नाम पढ़कर मुझ में तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने पढ़ना शुरू किया। वो नुस्खा फारसी जबान में था जिससे मैं बखूबी वाकिफ था। तहरीर कुछ यूं थी, हर जी रूह के दो जिस्म होते हैं, एक मर्रई दूसरा गैर मर्रई, एक कसीफ और दूसरा लतीफ, एक मादी दूसरा रूहानी। मादी जिस्म वो है जिसे हम जाहिरी आंखों से देख सकते हैं, मगर रूहानी जिस्म, अगर हम उसे जिस्म कह सकें, गो रूहानी या अंदरूनी आंखों के सिवा नहीं देखा जा सकता। अगरचे रूहानी जिस्म की पैदाइश मादी जिस्म के साथ ही होती है, मगर मादी जिस्म के फना हो जाने के बाद भी रूहानी जिस्म जिंदा रहता है। तस्वीर लेने वाले कैमरे का शीशा अगर इतना लतीफ हो कि मादी और रूहानी हर दो इज्साम की तस्वीरें एक साथ ले सके तो मुशाहिदा करने वाला चाहे लाख बारीक बीन हो ये ना बता सकेगा कि जिसमें लतीफ की कौन सी तस्वीर है और जिसमें कसीफ की कौन सी। उसे यही मालूम होगा कि एक शख्स की दो तस्वीरें एक ही वक्त में ली गई हैं। अलमुख्तसर जो अपना हम शक्ल होगा वही हमजाद है, या यूं समझ लो कि जिसमें लतीफ़ का दूसरा नाम हमजाद है। मैं बड़े शोक व जस्तजू के साथ ये कलमी नुस्खा पढ़ता रहा। उसमें जिसमें लतीफ़ का या हमजाद की सिफात के बारे में भी तहरीर था। मसलन पलक झपकते ही हमजाद दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर वापस आ सकता है, पहाड़ों की बुलंदियों और समंदरों की गहराइयों की खबर ला सकता है, बड़ी से बड़ी वजनी शय जिसे सैकड़ों आदमी मिलकर नहीं उठा सकते अकेला कहीं से भी उठाकर ला सकता है, वो मुश्किल से मुश्किल मसाइल हल कर सकता है जिन्हें हल करना अकले इंसानी की दस्तरस से बाहर है, सख्त और मोहलिक बीमारियों के इलाज तजवीज़ कर सकता है, मुस्तकबिल में जो कुछ होने वाला है उससे आगाह कर सकता है, मदफून खजानों के राज बता सकता है, गुमशुदा लोगों का पता लगा सकता है, लोहे और पत्थर की दीवारों में से गुजर सकता है, खतरनाक से खतरनाक जानवरों को ठिकाने लगा सकता है, दियो हैकल से दियो हैकल शख्स या अशखास को जेर कर सकता है, इसके अलावा ला तादाद और पुरसरार कुवतों का मालिक है। मैं वो कलमी नुस्खा हैरत और दिलचस्पी से पढ़ता रहा और एक मरतबा तो पढ़ते पढ़ते मैं उछल पड़ा। उसमें लिखा था कि जिसमें लतीफ या हमजाद को कब्जे में भी किया जा सकता है और इसके पास जो कुवतें हैं उनसे काम लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सख्त तरीन रियाजत और मुजाहिदे की ज़रूरत है। इस कलमी नुस्खे में वो तमाम अमल दर्ज थे। मैं उसे पढ़कर जैसे ख्वाबों में खो गया। क्या मेरे खुदा ने मेरी सुन ली? क्या मेरे दिन बदल जाएंगे? उस वक्त मगरिब की अजान हुई और मैंने उठकर वुजू किया, सिदके दिल से अपने खालिक के हजूर झुक गया। जब मैंने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया,
नमाज पढ़ने के बाद मैं रात गए तक उस कलमी नुस्खे का मुताला करता रहा और उसके दूसरे ही दिन मैंने अपने लिए एक अमल का इंतखाब किया। मगर अमल का ये वक्त वो था जब मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। बच्चे आए तो मैंने उनसे कह दिया कि आज से मैं तुम्हें ना पढ़ा सकूंगा, इसलिए कि मैं इस वक्त एक ज़रूरी काम करना चाहता हूँ। बच्चे चले गए और उसके साथ ही मेरी दो वक्त की रोटी भी ले गए। मेरे पास बहुत ही कम पैसे जमा थे जिनसे मैंने ये इंतज़ाम किया कि जितने अरसे में मैं अमल में मसरूफ़ रहूँ मेरे खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए। किसी के सामने हाथ फैलाते हुए मुझे शर्म आती थी, हालांकि अगर मैं चाहता तो अपने किसी दोस्त या शनासा से कुछ रकम उधार ले सकता था, मगर उधार लेकर अदायगी कहाँ से करता, फिर अपने अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से लाता कि दस्ते सवाल फैला सकता। अमल के लिए ज़रूरी था कि मैं कम से कम लोगों से मिलूं, सो मैंने अमल शुरू करने से पहले अपने मिलने जुलने वालों और दोस्त अहबाब को इस बात से मुतला किया कि मैं एक किताब लिख रहा हूं जिसके लिए यकसुई चाहिए, इसलिए वो मुझसे इस अरसे में ना मिलें। उन्होंने मेरी बात का खूब जी भर के मजाक उड़ाया। मुझे उनकी वो सारी बातें बहुत कड़वी महसूस हुईं, मगर खून के घूंट पीकर रह गया। मैं उन्हें ये बात हरगिज़ ना बताना चाहता था कि मैं कोई अमल करने वाला हूँ। यह हदायत भी उस कलमी नुस्खे में दर्ज थी कि सवाए अपने मुर्शिद के या उस शख्स के जो तुम्हारे लिए अमल तजवीज़ करे, किसी और को इस राज से आगाह ना करो कि तुम हमजात के लिए अमल कर रहे हो। मैंने ये तमाम तैयारियां करके एक मरतबा फिर कलमी नुस्खा निकाला और उन हदायत को गौर से पढ़ने लगा जो अमल के दौरान ज़रूरी थी। मसलन, हामला औरत अमल ना करे, जिस शख्स का कोई उजू ख़राब हो, मसलन हाथ पांव कटा हुआ हो या बदन में नुमाया नुक्स हो, वो अमल ना करे। जिस शख्स को दिमागी मर्ज हो, मसलन सकता या मिर्गी वगैरह, अमल ना करे जब तक कि पूरी तरह तंदुरुस्त ना हो जाए। ज़ख्मी हालत में अमल शुरू नहीं करना चाहिए, ख्वा इंतहाई मामूली ज़ख्म हो। बवासीर के मरीज को अमल ना करना चाहिए। फेल हेवानी के आदि शख्स को अमल ना करना चाहिए क्योंकि अमल के दौरान मजामत से कतई परहेज़ करना पड़ेगा। मैंने खुद को इन तमाम शराइत का पाबंद पाया। इसके अलावा अमल के दौरान के लिए भी मुख्तलिफ हदायात दर्ज थीं। आमिल औरत के करीब कतई ना जाए, लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना कम कर दे, गोश्त अंडा मछली ना खाए, खुराक जूद हसम हो, सादा हो, हर रोज़ नहाए और सर में मालिश करे, रात का अमल हो तो दिन में खूब सोया करे, ऊँघने से अमल बातिल हो जाता है, अमल के वक्त शको शुबे को दिल में ना पैदा करे, अपनी हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम करे ताकि दौराने अमल कोई ना टोके, अमल करने की जगह पर अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें रखे। बेहतर यह है कि बदन पर सिर्फ एक कपड़ा रखे और साए के ज़रिए अमल करना हो तो सिर्फ चुस्त जांगिया पहने जो कि सादा कपड़े का हो। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा किसी से ना करे, किताबों का मुताला करता रहे वगैरह वगैरह। इन सब बातों के अलावा जगह और वक्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। मैंने अपने अमल के लिए अमले आफ्ताबी का इंतखाब किया था। इस अमल के लिए ज़रूरी था कि सूरज तुलू होने के बाद शुरू किया जाए। मैंने सबसे पहले जगह का इंतखाब किया। ये जगह खुले में थी, शिकस्ता हिस्से और मेरे रिहायशी हिस्से के दरमियान। मैंने हवेली का फाटक अंदर से बंद किया और मुंतखब जगह पहुँच गया। ये 9-10 बजे का वक्त था, अमल मुझे सिर्फ 2 घंटे करना था। मैंने फैसला किया था कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अमल किया करूँगा। मैंने अपने तमाम कपड़े उतार दिए। सतरपोशी के लिए मेरे जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था। मैं सूरज की तरफ पुश्त करके खड़ा हो गया। मेरा साया मेरे सामने ज़मीन पर साफ नज़र आ रहा था और नज़दीक को दूर कोई और साया नहीं था, जैसा कि हदायत में दर्ज था, ताकि मेरे अमल को कोई दूसरा साया ख़राब ना कर दे। अब मैंने हस्बे हदायत अपने साए की गर्दन के मुकाम पर खूब तवज्जो और शौक से देखना शुरू किया। चंद मिनट बगैर पलक झपकाए साए को देखने से मेरी नज़र कुछ थकने लगी तो मैंने साए से नज़र हटाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। मैं अमल के वो अल्फाज बार बार दोहरा रहा था जो उस कलमी नुस्खे में तहरीर थे। मैंने देखा आसमान पर वही साया धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था जो कुछ देर पहले मैं ज़मीन पर देख रहा था, खुद मेरा अपना साया। मैंने पलक झपकाई तो आसमान से साया गायब हो गया और फिर मैंने दोबारा अपनी सारी तवज्जो ज़मीनी साए को देखने में सर्व कर दी। मैं कुछ इन्हीं हदायत के मुताबिक कर रहा था जो मैंने कलमी नुस्खे में पढ़ी थी। ये अमल मुझे पूरे 40 दिन तक करना था।
मुझे अमल करते हुए तकरीबन 31 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब तक कोई खिलाफ मामूल बात जहूर पजीर नहीं हुई थी। आज जुमेरात का दिन था और मैं हस्बे मामूल अमल करने मैदान में पहुंच गया था। उस दिन अमल शुरू करने के कुछ देर बाद ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जमीन मेरे पैरों के नीचे हिल रही है। मैंने कुछ देर तो अपनी हालत पर काबू रखा, मगर जब मुझे अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और ऐसा लगा कि हवेली का पुख्ता हिस्सा मेरे ऊपर गिरने वाला है, तो मैं तो घबरा गया। मैंने अमल छोड़कर एकदम गिरती हुई हवेली की तरफ देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि हवेली तो जूं की तूं थी। अब ना गड़गड़ाहट थी ना जमीन हिलती महसूस हुई थी। मेरे पूरे 31 दिन की मेहनत अकारत हो चुकी थी। अब मुझे दोबारा शुरू से अमल करना था, इसलिए कि कलमी नुस्खे में लिखा था कि अगर अमल किसी भी सबब से 2 घंटे के दौरान रुक जाए तो दोबारा शुरू से दिन गिने जाएं और शुरू से अमल पढ़ा जाए, वरना कोई नतीजा ना निकलेगा। मैं समझ गया कि मैं जिस कुव्वत को अपने काबू में करना चाहता हूँ वो मेरी राह में रोड़े अटका रही है, ताकि मैं अपना अमल मुकम्मल ना कर सकूँ और उसे अपना गुलाम ना बना सकूँ। मगर मैंने भी पुख्ता इरादा कर लिया कि इस कुव्वत को ज़रूर हासिल करूँगा। अब मसला ये था कि मैं अपने खाने पीने का कहाँ से इंतज़ाम करूँ। मैंने बमुश्किल 40 दिन का इंतज़ाम किया था और अब बकिया 9 दिन के लिए तो था, मगर 31 दिन मजीद जो हैं उनका क्या होगा। ये सोचकर मैं परेशान हो गया तो अब तक मैंने जिस बात से गुरेज किया था आखिरकार उस पर आमादा हो गया। मैंने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे कर्ज लिए उस वादे पर के 40 दिन बाद वापस कर दूंगा। मुझे यकीन था कि अगर मैंने अपना अमल पूरा कर लिया तो ऐश ही ऐश होंगे और रुपए पैसे की मेरे पास कमी ना होगी। मैंने एक मर्तबा फिर अमल शुरू किया। इस मर्तबा भी मुझे अमल के शुरू करते ही अजीब अजीब वाकयात से साबका पड़ा। तरह तरह का खौफ हुआ, मगर मैं अमल करता रहा। मैंने किसी तरह 30 दिन मुकम्मल कर लिए। अब मंजिल मुझे बहुत करीब नजर आने लगी थी। उस दिन इत्तफाक से जुमेरात थी। मैंने जैसे ही अमल शुरू किया, ड्राउनी और हैबतनाक शक्लें मुझे नज़रों के सामने आने लगीं और खौफनाक आवाज़ों ने मुझे हिला दिया। ये आवाज़ें दम बदम मुझे अपने नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थीं, लेकिन इसके बावजूद मैं दिल सख्त किए अमल पढ़ता रहा। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि सख्त आंधी और तूफान आने वाला है। मुझे अपना साया भी नज़रों से ओझल होता हुआ महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे मैं उस तेज़ आंधी में खड़ा ना रह सकूँगा और उसके साथ उड़ जाऊंगा। अब मेरी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मैं घबरा कर हवेली के पुख्ता हिस्से की तरफ भागा। अभी मैं हवेली में दाखिल भी ना हो पाया था कि मेरे हवास लौट आए। मैंने देखा कि सूरज पहले की तरह पूरी आबोताब से चमक रहा है। ना आंधी है, ना तूफान और ना बारिश के आसार हैं। मैं वहीं सर पकड़ कर बैठ गया। मेरी आंखों में मजबूरी और बेबसी के आंसू तैर रहे थे। पुरअसरार कुव्वत एक बार फिर मुझे शिकस्त देने में कामयाब हो गई थी। मैं वहां से उठा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मेरे जहन में बार बार ये सवाल गूंज रहा था कि अब क्या होगा। मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर इस पुरअसरार कुव्वत को हासिल करने में लग गया था। अब खुराक भी बमुश्किल से 9-10 दिन के लिए ही रह गई थी। फिर ये कि वो कर्जा कहाँ से अदा करूँगा जो मैंने अपने दोस्त मजीद से लिया था। वो तो यूं भी हजीस आदमी है, बड़ी मुश्किल से तो पैसे देने पर आमादा हुआ था। दूसरे ये कि अगर उसे किसी तरह टाल भी दिया गया तो मजीद पैसे आइंदा अमल शुरू करने के लिए कहां से आएंगे। मजीद से और पैसे मिलने तो मुश्किल हैं। फिर ये कि किसी और दोस्त से पैसे मांगकर किस्मत आजमाई जाए। इस वक्त मेरे काम कौन आ सकता है, मैं बड़ी शिद्दत के साथ इस पर गौर कर रहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि सोहराब खां से मदद ली जाए। मैं उसके घर पहुंचा और जब किसी तरह मैं उसे पैसे देने पर आमादा कर चुका तो उसने कहा, ठीक है पैसे ले जाओ, मगर तुम एक नौजवान आदमी हो, कोई काम धंधा देखो। तुम्हें इस तरह जिंदगी गुजारते हुए शर्म नहीं आती। मैं उसकी कड़वी कसेली बातें सर झुकाए सुनता रहा और अभी ये सोच ही रहा था कि उसे क्या जवाब दूं कि मजीद वहां पहुंच गया। उसने सोहराब का फिकरा शायद सुन लिया था। आते ही बोला, यार इसे पैसे वैसे मत देना, इसकी तो आदत है भीख मांगने की। कुछ दिन पहले मुझसे पैसे उधार लेके गया था जो अब तक वापस नहीं किए। सोहराब ने जब ये बात सुनी तो मेरी तरफ देखा और पूछा, क्यों करामत, क्या मजीद सही कह रहा है। मैं तो क्या जवाब देता। मजीद फिर बोल पड़ा, ये क्या जवाब देगा, इसने तो बेहयाई लाद रखी है, कहता है किताब लिख रहा हूँ, अदीब बनेगा। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो कहे जा रहा था,
अच्छा खासा बच्चे पढ़ाता था, गुजर बसर हो रही थी, मगर बैठे बिठाए अदीब बनने का शौक फरमाने लगा मौसूफ को। फिर जब बगैर मेहनत पैसे मिले तो मेहनत कौन करे। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अमल दमल पर लानत भेजकर दोबारा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन फौरन ही ख्याल आया कि इस खबीज के पैसे कहां से वापस करूंगा, और क्या मैं पूरी ज़िंदगी इन्हीं दुखों में गुजार दूंगा? क्या मेरे नसीब में खुशहाली नहीं? मेरा अमल पूरा हो गया तो फिर सारी ज़िंदगी सुख ही सुख है। मैंने उस वक्त दिल के फैसले पर अकल के फैसले को तरजीह दी कि फ़िलहाल मुझे इन लोगों की ये बातें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, मसलहत इसी में है। यही सोचकर मैंने पहली मर्तबा लब कुशाई की। मजीद ने जो कुछ कहा है दुरुस्त है, मेरे ऊपर इसकी रकम वाजिब है, मुझे इससे इनकार नहीं, लेकिन मैं जो किताब लिख रहा हूँ इसमें अभी तकरीबन 40 दिन और लगेंगे। इसके बाद मैं ये किताब फरोख्त कर दूंगा और ना सिर्फ मजीद के पैसे अदा कर दूंगा बल्कि तुमसे जो पैसे ले रहा हूँ वो भी उसी वक्त अदा कर दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो, मुझे तुम लोगों पर नाज है। इस वक्त अगर तुम लोग मेरी मदद कर दोगे तो ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। मैं काफ़ी देर तक मिन्नत समाजत करता रहा, यहाँ तक कि मैंने उन्हें राम कर लिया। सोहराब से पैसे लेकर सबसे पहले मैंने खाने पीने का सामान खरीदा और फिर एक नए अज़म और हौसले के साथ 40 दिन के लिए हवेली का बड़ा फाटक लगा दिया। मैंने अपने दिल में इस मर्तबा मजबूत अहद किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना अमल तर्क नहीं करूँगा, चाहे ज़िंदगी रहे कि चली जाए। आखिर इस तरह जलीलो ख़वार होने से क्या हासिल। मैंने दूसरे दिन से अमल फिर शुरू कर दिया। 10 दिन सुकून से गुजर गए। 11वें दिन से मुझे फिर वही खौफनाक सूरतें नज़र आने लगीं। कभी किसी शेर की धार सुनाई देती और मेरे वजूद को हिला जाती, तो कभी हैबतनाक बलाएं चीखती चंघारती मुझे अपने ऊपर हमला आवर होती महसूस होती, मगर मैं उन सब से बेपरवाह अपने अमल में मसरूफ़ रहा। दिन गुजरते रहे, अब वो धुंधला सा हयोला रफ्ता रफ्ता वाजे होने लगा था जो मुझे आसमान पर नज़र आता था, और जूं जूं दिन गुजरते जा रहे थे ऐसा लगता था जैसे वो आसमान से उतरने लगा हो, वो मुझसे करीब होता जा रहा था। मुझे यकीन था कि अब कुछ दिन बाद ही वो ज़मीन पर उतर आएगा। अब मुझे अमल शुरू किए 33 दिन गुजर चुके थे और अमल पूरा होने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। अल्लाह अल्लाह करके ये कड़े दिन भी मैंने गुजार लिए। आखिरी दिन फिर मुझे ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई, मगर अब ये सब हरबे पुराने हो चुके थे और मैं उनसे डरने वाला नहीं था। आखिरी दिन अमल का वक्त पूरा होने वाला था। मेरा दिल तेज़ी के साथ सीने में धड़क रहा था। आखिर वक्त पूरा हो गया और उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ज़ोर ज़ोर से हवेली का दरवाज़ा पीट रहा है। अमल का वक्त ख़त्म हो ही चुका था। मैं तेज़ी से हवेली की फाटक की तरफ दौड़ा। फाटक खोलते ही मुझे एक शख्स नज़र आया, ये कोई मुसाफिर मालूम होता था। उसके सर पर सामान रखा था और चेहरा चादर से किसी कदर छुपा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, किससे मिलना है? वो बोला, मुझे स्टेशन जाना है, रास्ता बता दो। मैंने उसे हाथ के इशारे से रास्ता बताते हुए कहा, इस सीधी सड़क पर चले जाओ, कुछ दूर जाकर दाएं हाथ मुड़कर तुम्हें स्टेशन की इमारत नज़र आने लगेगी। ये कहकर मैं फाटक बंद करने ही वाला था कि वो बोला, क्या मैं चला जाऊँ? मैंने कहा, हाँ जाओ। वो फिर बोला, क्या मैं वाकई चला जाऊँ? तुम मुझे रोकोगे तो नहीं? मैंने झुंझला कर कहा, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा भला, बड़ी खुशी से जाओ। उसने फिर कहा, सोच लो, मैं फिर नहीं आऊँगा। फिर मुझे मत बुलाना। फिर कहता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं? क्या मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ? अब तो मुझे गुस्सा आ गया, अजीब आदमी हो, कह दिया ना मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा ना वापस बुलाऊंगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर मुसाफिर ने अपने चेहरे से चादर हटा दी। मैं सिर्फ उसकी एक झलक देख सका, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे रुकने के लिए कहता, वो मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं चीखा, हमजाद, मेरे हमजाद, मगर वो जा चुका था और अब दूर दूर तक सन्नाटा था। मैंने देखा कि वो हूबहू मेरी शक्ल था, नक्शा, नाक, चेहरा, मोरा, सब कुछ वही, जैसे मैं खुद को आईने में देखूँ। तो मैंने उसे हासिल कर लिया था और आज़ाद भी कर दिया, मैंने सोचा, और मुझे चक्कर सा आ गया, वो मुझे इस बार भी जल दे गया। वो खुद मेरी इजाज़त से चला गया। मैंने आखिर ये क्या किया? मैं वो हदायात क्यों भूल गया जो कलमी नुस्खे में दर्ज थीं कि हमजाद या जिसमें लतीफ़ काबू में आने के बाद भी तरह तरह से ये कोशिशें करता है कि आमिल खुद उसे आज़ाद करने पर आमादा हो जाए।
वो हर तरह आमिल को धोखा देने की कोशिश करता है, मगर एक मर्तबा आमिल उसे अपने कब्जे में कर लेता है और उसके साथ हमजाद अहदो पैमा कर लेता है। शरायत तय हो जाती हैं तो हमजाद आमिल का हर हुक्म बजा लाने पर मजबूर होता है। मुझे मेरा हमजाद जल देने में कामयाब हो चुका था। इस तरह सारी मेहनत और रियाज बेकार हो गया था। आखिरी वक्त में यह शिकस्त मुझे बड़ी महंगी पड़ी थी, मगर अब मेरी ज़िंदगी का मकसद ही उसे हासिल करना था। किसी भी कीमत पर मैं उसे हासिल करूँगा। मैंने अपने दिल में फैसला किया, मगर किस तरह, अब किस तरह, फिर 40 दिन, लेकिन इन 40 दिनों में खाऊंगा क्या, मैं पूरे दिन यही सोचता रहा। और आखिरकार मेरे जहन में एक तरकीब आ ही गई।